हमारी जो चुनावी यात्रा है वो इस वक्त अमेठी पहुंची हुई है और अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा सीट एक बहुत ही अहम विधानसभा सीटों में से गिनी जाती है क्योंकि यहां से मौजूदा विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश पासी साहब पिछली बार जीते थे और उन्होंने इस सीट पर काफी बेहतर विकास किया है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं यहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक जनसभा को आयोजित किया गया है जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए थे, उन्होंने सुरेश पासी जी के लिए वोट मांगा है और इस वक्त सुरेश पासी साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव में चुनौतियां क्या हैं इस विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में और किस लक्ष्य के साथ बीजेपी और सुरेश साहब लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर के आगे कैसे और काम करना है जीतने के बाद इसका भरोसा जता रहे हैं। सबसे पहले प्राइम टीवी बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में कई सारा काम विकास का आपने किया प्रदेश सरकार के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में लगातार यहाँ की जनता जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है और अभी जो ये जनसभा यहाँ पर आई हुई थी, रक्षा मंत्री आए हुए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यहाँ से जो सवाल पूछे यहाँ की जनता से सबने ये कहा कि बेहतर विकास हो रहा है। आपको लगता है कि कोई ऐसी टक्कर इस विधानसभा या उत्तर प्रदेश में इस बार बनी हुई है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए 2017 में जगदीशपुर में कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर लड़े थे, तभी जगदीशपुर की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। इस बार दोनों लोग अलग अलग लड़ रहे हैं और 5 वर्ष मुझे काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और गोमती पर पुल भी बनाने का काम किया। 6 करोड़ रुपये गरीब जो हमारे क्षेत्र के परिवार के लोग थे जिनको इलाज की आवश्यकता थी उनको इलाज भी करवाया। तो जनता में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति विश्वास है और फिर से जगदीशपुर की सामान्य जनता जो है जगदीशपुर में कमल खिलाने का काम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। थर्ड फेज की वोटिंग आज हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी यादव खानदान के जो आपके मुख्य विपक्षी हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और भी कई सारे लोगों ने, शिवपाल यादव ने, सबने वोट दिया है। समाजवादी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में सबसे अहम टक्कर कोई अगर बीजेपी को दे रही है तो समाजवादी पार्टी, क्या ऐसा है टक्कर हो रही है? दूसरी चीज, इस विधानसभा सीट की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है या जो धर्म का समीकरण है वो मिला जुला है, उसका कितना फायदा इस बार बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे बयान दिए गए, प्रत्याशियों को चुना गया, क्या उसका कोई असर समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर एक बार फिर से यहाँ पर क्लीन स्वीप करने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो केवल बयानबाजी वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है ये काम करने वाली पार्टी है। गरीबों को राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं और फ्री में महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा है। तो गाँव की जनता, शहर की जनता और कस्बे की जनता वो सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे अच्छा लाभ मिल रहा है, इसलिए जो जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित ही जगदीशपुर में पिछली बार हम लोग 16,500 वोटों से जीते थे, इस बार 50,000 वोटों से जगदीशपुर की जनता कमल का फूल जिताने का काम करेगी। किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है इस बार विधानसभा चुनाव में। लगातार समाजवादी पार्टी, उनके गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल या फिर अन्य जो उनके साथ लोग हैं या इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि किसानों के मुद्दे को सबसे अहम हवा दी जाए। इस विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए पूछूंगा, क्या किसान जो पशु हैं उनसे समस्याओं में हैं, क्या रात भर वो रखवाली कर रहे हैं या फिर सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है इन सारे मुद्दों को लेकर के? किसानों के बीच आप गए हैं, किसानों ने क्या कोई ऐसी समस्या आपसे बताई? किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही काम करती आई है। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिल रहा है, जो MSP आज इतना अधिक किसानों को मिल रहा है वो पिछली सरकारों में नहीं मिलता था और अब नई सरकार बनने जा रही है। इसके बाद हम लोगों का जो संकल्प पत्र है ये तय किया है कि किसानों की जो बिजली से सिंचाई होती है, जो बिजली के ट्यूबवेल हैं, उनका पूरा का पूरा बिजली का बिल माफ रहेगा। तो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सारे किसान इस बात को समझ रहे हैं और जो किसान सम्मान निधि 6,000 थी उसको बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। तो किसान सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और किसान पूरा समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, किसान ही भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ हैं, कमल का फूल खिलाने का काम करें।
अभी कांग्रेस का गढ़ रहा है ये अमेठी, और जिस विधानसभा से आप विधायक हैं, जहां से आपने अपना नेतृत्व किया था, उसके बाद आप प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, विभाग की बात करी जाए तो विभाग में भी आपने बेहतर काम किया, लेकिन उसके अलावा क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो वो महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी अलग अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, आप लोगों ने कोई मुद्दा नहीं रखना, आप लोगों ने ये कहा कि हम सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं और उसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस बार इस विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में किसी विपक्षी दलों को आप लोग अपने सामने खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें टक्कर मिल रही है, हमें समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, कई बार पश्चिम में जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की वोटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारी लहर है और यहाँ से कई सारी सीटें हम निकाल रहे हैं, सही है ऐसा? देखिए, पश्चिम में हमेशा हम कमजोर रहा करते थे, लेकिन इस बार पश्चिम में हम बहुत मजबूत हैं, और उसी मजबूती की वजह से जो सपा के लोग हैं वो उल्टे सीधे बयान देते हैं, वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन पूर्वांचल में भी पिछली बार जितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और जितनी मजबूती से लोग साथ में थे, उससे ज्यादा मजबूती से इस बार हैं, और हमारी सीट पर तो कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर लड़ चुके हैं, उसके बाद 16,500 से यहाँ की सम्मानित जनता ने जिताने का काम किया है, इस बार तो दोनों लोग अलग अलग लड़े हैं, इस बार तो कम से कम 50,000 का अंतर रहेगा, अलग अलग लड़ रहे हैं लेकिन इस बार चाचा भतीजे एक हो गए हैं, चाचा भतीजे मन से एक नहीं है, वो तो जबरदस्ती एक है, मन से एक नहीं है, दिखावा है, जब भाई की पत्नी साथ नहीं है, पिता का सम्मान वो नहीं करते हैं, तो परिवार में जब परिवार को नहीं चला पा रहे हैं तो प्रदेश को चलाने के काबिल वो नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि करहल में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को लेकर के, क्या वहां पर कुछ दिक्कत है उनको? देखिए, वो तो उनका पहले गढ़ हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिक्कत लगी कि वहां पर भी कमल का फूल खिल रहा है, इसलिए उनको लेकर गए। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की जनता और इस विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे वोटिंग को लेकर के और बीजेपी को जिताने? हम अपनी सम्मानित जनता से यही अपील करेंगे कि 2017 में मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और हर क्षेत्र में हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में काम किया है, अभी जो काम अधूरे रह गए हैं इन 5 वर्षों में उनको भी पूरा करने का काम करेंगे, और निश्चित ही सम्मानित जनता का स्नेह और अपार समर्थन मिल रहा है, निश्चित पूरा मुझे विश्वास है कि इस बार जो है कम से कम 50,000 वोटों से सम्मानित जनता जिताने का काम करेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कि इस विधानसभा में बेहतर विकास किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर विकास किया है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के तहत हमने काम किया और उसी नीतियों के तहत एक बार फिर से काम करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में हम फिर से सरकार बनाते हैं इस विधानसभा का भी बेहतर विकास होगा। अब देखना है कि ये होगा कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बनाए गए हैं और जो तैयारी चल रही है उससे ये साफ साबित होता है कि लड़ाई इस बार उत्तर प्रदेश में काफी अहम है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ में। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।